नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में विलेज कढ़ाई। तो आज हम बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग सबसे पहले बताइए कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग हमारे चैनल पर प्यार बनाए रखिए और मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर के आपके सामने आती रहूँगी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ क्या हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे आलू लिया है, ये देखिए 10 किलो आलू हमने यहाँ पे लिया है और इसी का आज हम बनाने वाले हैं चिप्स। तो चिप्स की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी और जो मैं बहुत अच्छे से आज आपको एक रेसिपी लास्ट में बताऊंगी वो बहुत ही स्पेशल है। वो मैंने दिल्ली में खाई हुई थी तो आज मैं वही वाली रेसिपी आपको लास्ट में शेयर करूँगी चिप्स की, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका छिलका उतारेंगे। तो ये देखिए आलू काफ़ी बड़े बड़े मैंने इसलिए लिए हैं कि इसके बहुत बड़े बड़े चिप्स बने, क्योंकि सूखने के बाद बहुत ही छोटा हो जाता है चिप्स। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से कोई भी छिलनी ले लीजिएगा, उसी से इसका आप छिलका उतार दीजिएगा। तो इसका छिलका हम एकदम साफ साफ उतारेंगे, जैसे आलू आपका एकदम चिकना होना चाहिए। ये जो छिलका है ये भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके चिप्स में जो काला काला दिखाई देगा अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको छील लिया है आलू को, और यहाँ देखिए हमने पानी लिया हुआ है इसमें और आलू को इसी में डालते जाएंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो काले ना पड़े। तो चाहे चिप्स को छील करके उसका आलू जो भी जब भी बनाइएगा उसको पानी में डालते जाइएगा ताकि जो आलू हमारे हैं वो ख़राब ना हो चिप्स। तो ये देखिए इसी तरह से सारे आलू को हम छील लेंगे अच्छे से, जितना आलू मैंने लिया है उतने आलू को हम लोग छील लेंगे और पानी में डालते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसी तरह से हम सारे छीलते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे। इस तरह से क्या हुआ कि हमारे आलू बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और बढ़िया एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देंगे। ये देखिए इसी तरह से हम सारे आलू को डालते जाएंगे पानी में। तो ये देखिए सारे आलू को हमने यहाँ पे एकदम बढ़िया से छील करके तैयार कर लिया है और अब हमने यहाँ पे देखिए ले रखा है छिलनी और ये जो कटर है और इसी से हम वो जो है चिप्स को काटेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो निशान पड़ने वाला है और ये वाला जो है हमने रखा प्लेन इधर से, तो इसी से हम काटेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्लेन काट करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एकदम बढ़िया चिप्स एकदम पतले पतले काटे हैं, ये देखिए, और ये सारा सादा है एकदम प्लेन वाला। तो अब हम दूसरा वाला काटते हैं जो इधर इससे है निशान पड़ा रहेगा इससे। तो देखिए इसी तरह से हम सारे चिप्स को काट लेंगे और ये जो निशान वाले चिप्स होते हैं ये बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं और मार्केट में बिकते हैं ये वाले चिप्स। तो जो तीखा वाला होता है एकदम, ये देखिए एकदम मस्त से कट रहा है। तो इसी तरह से हमें सारे चिप्स को काट लेना है दोनों, चाहे आपको जैसा पसंद हो वैसा आप काट सकते हैं, चाहे प्लेन काट लीजिए चाहे ये निशान वाले काट लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। तो इसी तरह से सारे दोस्तों हम चिप्स काट करके एकदम तैयार कर लेंगे, देखिए। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे चिप्स काट लिया है ये सारा, देखिए यहाँ पे, और ये वाला अब ज़्यादा नहीं रह गया है, इसमें भी हमने काट लिया है और हमारी बेटी भी हमारा हेल्प करा रही है और हमारे पति देव भी तो ये देखिए अब इसको हम काट लेते हैं, इन बैठ के हेल्प करत हैं क्योंकि बैठक चाहिए। ये देखिए अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो इतना पानी हमें डाल लेना है ताकि हमारा जो चिप्स है अच्छे से डूबा रहे इसमें। तो ये देखिए दोस्तों हमने दोनों पतीले में पानी चढ़ाया हुआ है, वहाँ भी और इसमें भी। तो सबसे पहले हम इसको बहुत अच्छे से गर्म करेंगे क्योंकि जब गर्म होगा तभी हम इसमें चिप्स में डालेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने इसको पानी में ही डाला हुआ है ताकि हमारे जो चिप्स हैं वो काले ना पड़े, ये देखिए सारा हम इसमें डाला हुआ है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सेंधा नमक लिया है क्योंकि जो चिप्स हम बनाएंगे उसको व्रत में भी हम लोग खा सकें, तो इसके लिए मैंने सेंधा नमक लिया है।
अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, देखिए इसमें थोड़ा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि इस किस्म में ज़्यादा पता न चले कि तेज हो गया है। और इसमें डाल देते हैं, तो ये देखिए पानी में से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगा है, यानी अदहन आ गया है इसमें अच्छे से। अब हम इसमें चिप्स डालेंगे, तो आज हम चिप्स जो बनाने वाले हैं वो थोड़ा कलर उसमें डालेंगे ताकि बच्चों को देखने में सुंदर लगे, और उसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं थोड़ा कलर रहता है। तो ये वाला चिप्स हम इसमें भी डाल देते हैं बड़े वाले पतीले में, इसको हम सफ़ेद रहने देंगे, जो डेक्सिम बना रहे हैं उसमें थोड़ा कलर डालेंगे। दोस्तों इसी तरह से आप चिप्स जो है जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा चिप्स एकदम नरम आपका बन करके तैयार होगा जैसे मैं बताऊँगी अभी। तो इस तरह से हम इसमें पूरा डाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे, और इसमें देखिए धीरे धीरे जो है ये गर्म होने लगा है अच्छे से, तो इसको हम ऊपर से चला देते हैं, थोड़ा ऐसे पलट देंगे। इस तरह से हम चला देते हैं, हल्के हाथों से हमें करना है, बहुत तेज से नहीं। अब ये जब पकने लगेगा तो इसको हमें नहीं चलाना है। तो हमने यहाँ पे कलर लिया है, ये देखिए लाल कलर ले रखा है, और इसमें डाल देते हैं क्योंकि पहले ही डालेंगे तो इसको मिलाने में आसानी होगा। थोड़ा सा पहले डालते हैं, जितना कम लगेगा तो हम दोबारा इसमें डालेंगे कलर। ये देखिए कलर बहुत प्यारा आ रहा है इससे, बढ़िया। इसको हम मिला देते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो ये देखिए हमने इसमें मिला दिया है कलर, और वो जो भगोने में हमारा रहेगा वो सादा रहेगा सफ़ेद में, और इसको हम मिला देंगे। अगर इसमें हमें कम लग रहा है तो थोड़ा और मिलाएंगे अभी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे खिचड़ी ले रखी है बड़ी सी, और इसको हम इस तरह से पानी में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बस चला देना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर इसको हमें इसमें रखना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही नरम नरम आपका चिप्स खाने में आएगा। तो ये वाला हमारा जल्दी पक करके तैयार हो रहा है। तो ये देखिए चिप्स ये वाला होकर के तैयार है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं हमने बनाया हुआ था, ये देखिए अच्छे से टूट जा रहा है। जैसे ही ये टूटने लगे आप इसको समझ जाइए कि हो गया है, और हम इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ हमने दौरी ले रखी है ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए इसमें से, दौरी में से। जैसे ही नीचे निकल जाएगा तो चिप्स एकदम सूखा सूखा हो जाएगा, तो फैलाने में आसानी रहेगा। तो ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आया है, एकदम बढ़िया। और एक वाला हम सफ़ेद वाला बनाएंगे और एक पीले कलर का बनाने वाले हैं, इसका कलर आप बताइएगा कैसा आया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फिटकरी ले रखी, इस वाले में भी हम थोड़ा सा इसको डुबो देंगे, ज़्यादा नहीं डुबोना है, दो तीन बार इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो इसका जो फ्लेवर आएगा तो इससे जो है नरम हो जाएगा बिल्कुल। और ये देखिए ये पक भी गया है अच्छे से, ये जैसे ही टूट जाएगा आपका समझ जाइए हो गया है, टूट गया ना। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, इसमें हमारा पक करके तैयार हो गया है। सारा चिप्स हम इसमें निकालेंगे दौरी में, इससे पानी जो है नीचे निकल जाएगा। तो सारा सब चिप्स इसमें से निकाल देंगे। ये सफ़ेद वाला हमने थोड़ा ज़्यादा बनाया है, और जो कलरफुल है वो थोड़ा कम ही बनाया है हमने। तो ये देखिए दोस्तों हम छत पे आ गए हैं अपने, यहाँ पे लेकर के इसको यहाँ फैला देते हैं। साड़ी हमने पहले से ही फैलाई हुई है। इस तरफ से हम दूर तक फैलाएंगे ताकि इसको फैलाने में आसानी हो। तो ये देखिए हमने ये लाल वाला लेकर के हमने पहले भी इसको फैलाया हुआ है, और इसको भी डाल देते हैं, और चिप्स को अच्छे से फैलाएंगे अब एक एक करके इस तरह से। सारा इसी तरह से हमें फैला देना है। वाले को भी हम इसी तरह फैलाएंगे, ऐसे फैला देंगे तो ये जल्दी से सूख करके तैयार होगा,
अगर आप जो है इकट्ठा छोड़ेंगे तो ये बेकार हो जाएगा, एकदम काला पड़ जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे दूर दूर हम फैला देंगे। तो ये देखिए एक एक पीस करके हम इसको ऐसे ऐसे फैलाएंगे ताकि ये सूखे नहीं। और इस तरह से फैलाने से क्या होगा, जब आप तलेंगे तो अच्छे से इसके पीस अलग अलग दिखाई देंगे आपको। ये देखिए सारा हम ऐसे फैला देंगे। तो दोस्तों कल हमारा जो चिप्स था वो सूख करके तैयार हो गया था। तो कल बहुत शाम हो गया और लाइट भी नहीं थी, तो आज देखिए सुबह हो गया है। और हमने जो चिप्स ले रखा है आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसका कलर देखिए, बड़ा प्यारा कलर आया हुआ है। और आपको चिप्स भी दिखा देते हैं। ये देखिए इसमें से मेरा हाथ भी झलक रहा है, इतने पतले पतले चिप्स हमने बनाए हैं। और ये देखिए आवाज़ देखिए इसकी, अच्छे से सूख गया था और बहुत अच्छे से अब इसको हम तल करके दिखाएंगे। और जो जो रेसिपी हमने आपको बताई थी कि हम लास्ट में उसको दिखाएंगे आपको बना करके एकदम बढ़िया चटपटा सा, तो तल करके उसको दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब उसमें हम डालेंगे चिप्स को। तो देखिए कितना बढ़िया तैयार हो रहा है, एकदम बढ़िया सा इसको हम निकालेंगे। ये देखिए इसमें हम डाल देते हैं। देखिए इस तरह से हम सारे जो है चिप्स बना करके तैयार कर लेंगे। और कितने हल्के हैं और कितना बढ़िया ये बन करके तैयार हो रहा है आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इतना बढ़िया इसका चिप्स एकदम बड़ा बड़ा हो रहा है तैयार। ये देखिए सादा वाला भी कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए इसमें पीला वाला और ये लाल वाला खा लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हैं और एकदम बड़ा हो जा रहा है और बहुत ही मोटे मोटे चिप्स बन करके तैयार हो रहे हैं। इसको अलग रख लेते हैं। आप दोस्तों ये वाला चिप्स है ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह से हम सारे चिप्स को छान लेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका छानने के बाद भी। यहाँ पे हमने कलरफुल चिप्स को भी छान लिया है, सादा वाला भी छान लिया है। तो कलरफुल को रहने देंगे, सादे वाले में हम डालेंगे यहाँ पे भुना हुआ काला नमक और जीरा ले रखा है, और यहाँ पे चाट मसाला, और यहाँ पे हमने ले रखा है तीखी वाली लाल मिर्च। तो तीखा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे काला नमक और भुना हुआ जीरा। तो सब पे हम छिड़क कर डालेंगे ताकि सारे चिप्स पर अच्छे से इसमें कोटिंग हो जाए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला। तो चाट मसाला भी आप अच्छे से इस पर छिड़की, तभी वो देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और तीखी वाली लाल मिर्च डाल देते हैं। तो ये रेसिपी इस तरह से खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको घर पे भी बना करके आसानी से खा सकते हैं। जो हमें जो है चिप्स के पैकेट में मिलता है वो आप घर पे बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों को उलट पलट कर अच्छे से हम फिर से इस पर छिड़केंगे। तो ये देखिए हमने इसमें मिला दिया है एकदम बढ़िया से सारी चीज़ें जो हमने दिखाई थी आपको। तो इसको हम थोड़ा सा आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये बहुत ही तीखा है वैसे, बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुआ है, एकदम चटपटा तीखा सा। जिसको तीखा पसंद है वही लोग बनाएं, और नहीं तो इसमें जो नॉर्मल चीज़ है वो चीज़ें डाल करके बनाएं। तो दोस्तों ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।